नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आत्रेय विश्वास रॉय। स्वागत करती हूं आप सभी का रिप्रेजेंटिंग इंडिया में। और मैं सौरभ रॉय। ये 2021 है, लेकिन मैं आपको आज से 50 साल पहले 1971 में ले चल रही हूं। 1971 का जिक्र आते ही हमें गर्व होने लगता है अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर। हमने ना सिर्फ पाकिस्तान को मैदाने जंग में धूल चटाई, बल्कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश को आजादी दिलाई। लेकिन 1971 इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम भी लेकर आया, और अफसोस ये कि 50 साल बाद भी हम उस प्रॉब्लम का कोई पक्का सलूशन आज तक निकाल नहीं पाए। ये प्रॉब्लम है बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स का, और सवाल इससे जूझते नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली असम और त्रिपुरा का। असम में NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाई गई। उस लिस्ट में से करीब 20 लाख की आबादी बाहर कर दी गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट हो रहा है त्रिपुरा में, NRC की डिमांड हो रही है और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए मुहिम चल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर लोगों में गुस्सा है। पास्ट में देश ने लैंग्वेज और कल्चर को लेकर आंदोलन देखा है, ऐसा आंदोलन जो संघर्ष के बाद कैसे दुश्मनी में बदल गया पता नहीं चला। असम और त्रिपुरा में हजारों लोगों की जानें चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि 50 साल से हम एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आज भी उसके सॉल्यूशन से कोसों दूर हैं। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के जरिए हम आसामी बंगाली या फिर त्रिपुरी बंगाली में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस की ना तो बात कर रहे हैं और ना ही उसको बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट के फैक्ट को समझते हुए, पास्ट में हुई गलतियों को समझते हुए फ्यूचर के लिए रास्ता तैयार किया जा सके। आखिर कब तक ये प्रॉब्लम यूं ही बनी रहेगी, इसीलिए पहले पास्ट में चलते हैं। 1971 में जब मुक्ति वाहिनी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया था, उस वक्त इंडिया हर फ्रंट पर उसके साथ था। नॉर्थ ईस्ट हो या रेस्ट ऑफ इंडिया, वो पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी का समर्थन कर रहा था, पर उसकी कीमत आने वाले दिनों में बड़ी दिखने लगी थी। ईस्ट पाकिस्तान में जैसे जैसे हालात बिगड़ने लगे, इलीगल इमिग्रेशन शुरू हुआ, लोग पलायन करने लगे, जिसके केंद्र में आज के बांग्लादेश से लगने वाले वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा लोग आए। इस कारण असम, त्रिपुरा जैसे स्टेट्स की डेमोग्राफी बदलने लगी, पॉपुलेशन बढ़ गए और इन स्टेट्स के इंडिजिनस ग्रुप्स की मेजॉरिटी वाली स्टेटस बदलती दिखी। 1951 से 71 के बीच असम की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट करीब 35% रही, जबकि त्रिपुरा में तो 1951 और 61 के बीच पॉपुलेशन ग्रोथ 78% और 61 से 71 के बीच 37% थी। अब ये समझना तो मुश्किल नहीं कि पॉपुलेशन ग्रोथ बर्थ रेट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से शुरू हुए इलीगल इमिग्रेशन से हुआ। इलीगल इमिग्रेंट्स इसीलिए क्योंकि कानून कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर पैदा हुआ शख्स अगर जरूरी दस्तावेजों के बगैर भारत में रह रहा हो तो वो इलीगल इमिग्रेंट होगा, जिससे उसे वापस उसके देश डिपोर्ट करना है। इस इलीगल इमिग्रेशन के विरोध में बड़ा आंदोलन भी चला, हिंसक आंदोलन, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ पॉपुलेशन की नहीं थी बल्कि एथनिक कल्चर की थी। जैसे 1951 में त्रिपुरी कम्युनिटी पूरे पॉपुलेशन की 50% से ज्यादा थी, जो 1971 में सिर्फ 28% हो गई। बंगाली स्टेट की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई। असम में भी ऐसा ही डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला। 1947 में जब असम का बंगाली स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट सिलेट ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, तो स्टेट में एसमीज स्पीकिंग लोग टोटल पॉपुलेशन के करीब 60% हो गए। पर आज ये ग्राफ घटकर 48% रह गया और उसके उलट नॉन आसामी स्पीकिंग लोग बढ़ गए। इस बदलाव ने असम और त्रिपुरा दोनों जगह कड़वाहट की एक लकीर खींच दी, जिसका नतीजा आगे चलकर इंसर्जेंसी के तौर पर भी दिखा। 1985 में सालों के संघर्ष के बाद असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ केंद्र सरकार के साथ राज्य के सिविल सोसाइटी और आसू का, और असम सिटीजनशिप मामले में एक एक्सेप्शन स्टेट बन गया।
पूरे देश में जहां इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बेस ईयर 1951 था, तो असम के लिए ये 24 मार्च 1971 हो गया। त्रिपुरा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहां आज भी डिमांड 1951 के बेसिस पर एनआरसी की है, ताकि 1951 के बाद जो भी लोग बांग्लादेश से आए हैं उन्हें वापस भेजा जा सके। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में समझिए, 1947 में रेडक्लिफ द्वारा खींची गई लाइन कंट्रोवर्शियल तो थी, क्योंकि इसने कागज पर ही नहीं जमीन पर भी एक साथ रह रहे लोगों को दो मुल्कों में बांट दिया था। वैसे लोग इंडिया को अपना नेचुरल होम मानते हैं, दूसरे जो लोग 50 या फिर 60 साल से इंडिया में रह रहे हैं उन्हें उनके देश कैसे वापस भेजा जाए और ये तय कौन करेगा। तीसरी बात उन हिंदुओं की जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हैं और शायद वहां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। पर उसके उलट कुछ और तर्क भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल प्रोविजंस देता है, कल्चर और इंडिजिनस पीपल को बचाना एक अहम चीज है। ऐसे में नो डाउट बांग्लादेश से आए लोगों से वो कल्चर मिक्स्ड हुई है। मेजॉरिटी कम्युनिटी से माइनॉरिटी में होने का सीधा प्रभाव कल्चर, जॉब, एम्प्लॉयमेंट सब पर पड़ता है, और 50 साल से नॉर्थ ईस्ट ये देख रहा है। साथ ही 2005 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इलीगल माइग्रेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था और बताया था कि असम और त्रिपुरा के लोगों को, वहां की पूरी सोसाइटी को इससे इनसिक्योरिटी मिल रही है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बल्कि आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश से होने वाला इलीगल इमिग्रेशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। ऐसे में सॉल्यूशन का रास्ता क्या होना चाहिए? एक्चुअली ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, स्पेशली आज के कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल प्रोसेस में। यहाँ एक को खुश करने का मतलब है दूसरे ग्रुप को नाराज करना, जो पॉलिटिकल प्रोसेस में आग से खेलने जैसा है। हालांकि 50 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था उसकी दर कम हुई है, आंकड़े यही बता रहे हैं। बांग्लादेश की तरक्की और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोथ वाली इकोनॉमी की वजह से कई बांग्लादेशी खुद वापस लौट रहे हैं, पर रेस्ट इश्यूज के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट और सभी सिविल सोसाइटीज और स्टेक होल्डर्स मिलकर सॉल्यूशन ढूंढें, ताकि इलीगल इमिग्रेशन को सही से एड्रेस किया जा सके ठोस नीति से। साथ ही एथनिक ग्रुप्स जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको उनका वाजिब हक मिलना चाहिए, क्योंकि हम 80s और 90s में जो बुरा दौर हुआ वो नॉर्थ ईस्ट डिजर्व नहीं करता, वो नॉर्थ ईस्ट की सुंदरता में नजर लगा देता है। पर हम ये भी डिजर्व नहीं करते कि नॉर्थ ईस्ट 50 सालों से एक प्रॉब्लम के साथ जूझता रहे। बात करनी होगी, बात करने से ही बात बनेगी। नमस्कार।